चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को बिहार के सभी जिलों में कम से कम एक विधानसभा सीट चाहिए। अभी से ही इसकी दावेदारी पेश कर दी गई, मतलब बिहार में 38 जिले हैं, तो 38 से कम पर बात नहीं बनने वाली। गया में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई, इसमें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। बैठक में साफ तौर पर कहा गया कि चुनाव में पार्टी सभी जिलों में अनिवार्य रूप से गठबंधन के अंदर हिस्सेदारी लेगी। गया जिले के बोध गया स्थित सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने की। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी के बुरे दौर में जो सहयोग उन्होंने दिया है वो बड़ी बात है। उन्होंने इसके लिए कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया। राजू तिवारी ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी को तोड़ने का काम किया उन लोगों ने सोचा होगा कि पार्टी समाप्त हो जाएगी, लेकिन पार्टी के नेता चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी ने ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है। पार्टी के सभी नेताओं से आगामी 28 नवंबर को पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में प्रस्तावित ऐतिहासिक रैली को सफल बनाने की अपील की गई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी का संगठन महत्व रखता है। आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी सभी जिलों में अनिवार्य रूप से गठबंधन के अंदर हिस्सेदारी लेगी। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जिस तरीके से मांगे अब बढ़ती नजर आ रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार में अब सियासी उठापटक का दौर शुरू हो सकता है। एक तरफ देखा जाए तो पशुपति पारस, दूसरी तरफ जीतन राम मांझी लगातार सीटों को लेकर दबाव बना रही हैं। तो वहीं देखा जाए तो चिराग पासवान की पार्टी भी अब बिहार में अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है, और ऐसे में जिस तरीके से मांग की गई है कि हर जिले में कम से कम एक विधानसभा सीट चाहिए, यानी बिहार में 38 जिले हैं, तो 38 सीटों से कम पर बात नहीं बनने वाली। चिराग पासवान का जिस तरीके से एनडीए के प्रति रुख रहा है वो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़ा करता है कि क्या चिराग पासवान सही समय का इंतजार कर रहे हैं और बगावत कर देंगे। फिलहाल आने वाले राजनीतिक घटनाओं पर हमारी नजर है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट नाइन पॉलिटिकल बाइट के साथ।